ये बात समझ लेनी चाहिए। इंसान अपने लिए मकसद या मकासद चुनता है, अपने लिए कभी मकसद चुनता है कभी मकासद चुनता है, प्रोग्रामात बनाता है, ये कर लिया जाए, ये हो जाए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, वो वाक्यात करने हैं। और हवाला बिलमूम अच्छाई को, कि भाई इंसान ये काम कर रहा है, ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए। अब इसके अंदर वाकई गौर वाला वो ये है कि बाज़ मकसद कामयाब हो जाता है, मकसद कामयाब हो जाता है और इंसान नाकाम हो जाता है। ये आम बात करो, आपकी बात नहीं कर रहा, क्या कहा, बंदा कामयाब हो गया वो मकसद में और जनरल लाइफ नाकाम होगी। मिसाल मनसूबा चोरी का कामयाब हो गया और किरदार नाकाम होगी, गुनाह कामयाब हो गया और बंदा नाकाम हो गया, किरदार नाकाम हो गया। सारी जिंदगी के अंदर जितने जराम है वो कामयाब होने का नाम है। तो लिहाजा कामयाबी जो है इसका दारोमदार इंसान के साथ नहीं है। दारोमदार किसके इंसान के साथ, कि वो वाकयात जो अल्लाह की राह के लिए हो और उसकी राह के लिए। वरना हम तो इंसान बनाते रहते मनसूबे, इसलिए दुआ ये होनी चाहिए कि या अल्लाह अगर ये काम मेरी आकबत के लिए मेरी जिंदगी के बेहतर है तो ये कामयाब कर दो, अगर ये बेहतर नहीं है इस काम को मुझसे दूर कर, मुझे इस काम से दूर, और मेरे लिए वो नेकी जो मुतबादल है वो मुकर्रर फरमा और उस पर मुझे राजी रहने की तौफीक दे। ये अगर दुआ आप करते रहो मसला आ जाएगा। क्या दुआ बनी चुकाई साहब, अगर ये काम मेरी ज़िंदगी के लिए मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो ये काम मुकर्रर आसान फरमा दे, अगर ये काम मेरी नेकी और आखिरत के लिए मुनासिब नहीं है मुझे इस काम से और इस काम को मुझसे दूर कर, और इसके मुतबादल वही काम मुकर्रर कर ले तेरे लिए और उस पर मुझे राजी रहने की तौफीक तब भाई ये काम से ठीक हो जाए। कामयाबी तो तलाश करना, सेहत मकसद तलाश, सेहत मकसद करना, मकसद सही हो कामयाब है तब भी देखिए, नहीं कामयाब तब भी देखिए, तो गलत मकसद में कामयाबी भी गलत। इस दुआ ये करो कि कामयाब हो जाए, कामयाब नेक मकसद की कामयाबी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे मकसद होते हैं इनकी वैसे कामयाबी होनी चाहिए, और कर लिए करो कामयाबी छोटी मोटी, असली मकसद है कि नेक मकसद की कामयाबी हो। बुजुर्गों ने यही बताया, आम मकसद की कामयाबी ना, आम मकसद में गलत मकसद भी शामिल हो जाता है। बारिश ने भी दुआ किया अल्लाह आसानी अता फरमाए, किसको, जो अल्लाह की राह पर चलने वाला हो, आप तो कोई बदलनी चाहिए दुआ, और जो अल्लाह की राह पर चलने वालों को रुकावट डाल दो खुदा आपको कामयाबी मिली आसानी ना दे। जो नेक बंदों की राह में रुकावट डालता है, जो ईमान की राह में रुकावट डालता है, जो ईमान वालों की राह में रुकावट डालता है, और जो दीन की खिदमत की राह में रुकावट डालता है, अब ये नहीं कि वो भी कामयाब हो जाए, मस्जिद गिराने वाला भी कामयाब हो जाए, मस्जिद बनाने वाला भी कामयाब, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो या अल्लाह नेक बंदों को आसानियत आए, अपने बंदों को आसानियत हो, और इनकी आसानियाँ रोकने वाले को ज़रा तू आप रोक मेहरबानी फरमा, ताकि मसला आसान हो जाए, आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह, जल्दी आसान हो जाएगा।